नमस्कार दर्शकों, आज हम आए हैं नेशन न्यूज़ की तरफ से। पवन काजल जी जो यहाँ पे मेंबर पार्लियामेंट के इलेक्शन कांग्रेस की तरफ से लड़ रहे हैं उनके पास, और आइए कुछ सवाल इनसे पूछते हैं। सबसे पहले सर एक क्वेश्चन है कि क्या क्या विकास की योजनाएं आप सोच रहे हैं जो इस कांगड़ा और चंबा में होनी चाहिए? ऐसा है, सबसे पहले तो मैं अभी लोकसभा का टिकट मुझे दिया है, अब मैं जनता का स्नेह प्यार लेके आगे बढ़ूंगा। अगर दिल्ली का रास्ता मेरे को जनता दिखाती है तो एक तो जो पुराने मुद्दे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने जुमले हैं, वो बात जब भी इलेक्शन आते थे तो बड़ी बड़ी बातें करते थे। एक तो मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी से इससे पहले सांसद रहे, दो बार सांसद रहे, पहले तो उनकी जो रीत डाली हुई एमपी लैंड जो मिलता है 5 करोड़ रुपये साल का, और 5 सालों में 25 करोड़। एक तो मैं अगर मैं जीतता हूँ तो जो हमारी कांगड़ा चंबा जो लोकसभा सीट है उसमें 17 विधानसभा के क्षेत्र आते हैं, कांगड़ा के 13 आते हैं और चंबा के 4 आते हैं। एक तो मैंने सभी जगह वादा किया कि ये जो बंदर बांट नहीं होगी कि मैं कांगड़ा से एमएलए हूँ और कांगड़ा में 70% लगाऊंगा, बाकी हर जगह बंटूंगा, ऐसा नहीं करूंगा। पवन काजल अगर लोकसभा में पहुंचता है, एमपी बनता है, तो बराबर बराबर जो पैसा है 17 विधानसभा क्षेत्र में वो बंटूंगा। एक तो पहला मेरा ये है, बाकी ये जो भारतीय जनता पार्टी के जब भी इलेक्शन आते थे तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, सीमेंट प्लांट की बात करते थे चंबा में, जनता को ठगते थे, फिर रेलवे ब्रॉडगेज की बात करते थे, आलू की चिप्स फैक्ट्री की बात करते थे, फिर ये कंबल बनाने की फैक्ट्री की बात करते थे, वो ऐसे ऐसे ये करते थे। पर मैं जनता का आशीर्वाद मुझे हुआ तो मैं कुछ ना कुछ इनसे हटके अलग से प्रयास करूँगा और कराऊँगा भी। इसके अलावा कांगड़ा चंबा का जो इलाका है, चंबा का कुछ एरिया काफ़ी पिछड़ा हुआ है, तो कल हमने किशन कपूर जी से बात की तो उनसे उनका कहना है कि जो ये काफ़ी साल कांग्रेस रही है तो उन कांग्रेस की वजह से अभी तक पिछड़ा रहा है, बाकी वो तो कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा है। कांग्रेस पार्टी का इतिहास है, 70 साल जनता की सेवा की है कांग्रेस पार्टी ने, और इन्होंने हिमाचल प्रदेश में 5 बार सरकार बनाई है, 5 बार ये रहे हैं, 2 बार आदरणीय शांता कुमार जी, 2 बार धूमल साहब, एक और एक ये जयराम जी, मुझे जो लगता 5 बार लगी है ना। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी जब से बनी है, सुई तक नहीं बनती थी देश में है ना, और मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूँ, हिमाचल प्रदेश में जितने भी मेडिकल कॉलेज आज हैं, 6 के 6 मेडिकल कॉलेज जो है ना, वो कांग्रेस की देन है। अगर कोई कॉलेज खुला है तो कांग्रेस की देन है, स्कूल कोई अपग्रेड हुआ कांग्रेस की देन है, अगर कोई भी जनता चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तो वो कांग्रेस की देन है, आशा वर्कर कांग्रेस की देन है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के जुमलेबाज हैं, ये करते कुछ नहीं है, इनको सिर्फ भाषण सिखाए जाते हैं, इनका मतलब सिस्टम अलग है, ये जनता की सेवा नहीं कर सकते, ये भाषण करके जनता को गुमराह कर सकते हैं, ये मैं बता सकता हूँ। बेरोजगारी की जो समस्या है सर, वो भी काफ़ी ज़्यादा है, जो यहाँ के युवक हैं बीटेक करने के बाद या कोई भी स्टडी करने के बाद, कभी वो गुड़गांव में नौकरी के लिए जाते हैं या मोहाली में जाते हैं, चंडीगढ़ में जाते हैं, बट यहाँ पे जो इंडस्ट्री अभी तक सिर्फ बद्दी में आई है, तो उसके बारे में आप क्या विचार कर रहे हैं कि इंडस्ट्री यहाँ पे कैसे आई? ऐसा है, एक तो जहाँ तक बेरोजगारी की बात है, ये तो बिल्कुल जो आपने प्रश्न मेरे से पूछा इसके लिए हर कोई चिंता का विषय है कि आज तक कोई भी हिमाचल प्रदेश में जिला कांगड़ा में यहाँ पे जहाँ पे मेरा जो संसदीय क्षेत्र है अभी 17 विधानसभा का क्षेत्र है, तो मैं जनता से कहकर यही कर रहा हूँ, अगर मैं दिल्ली का रास्ता मेरे को दिखाएंगे तो मैं कुछ ना कुछ 17 विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए कोई उद्योग जिसमें 25-30-40 हज़ार हमारा युवा वर्ग जो है उसको रोज़गार मिले, हमारे बच्चे चंडीगढ़ जाते हैं, हमारे बच्चे दिल्ली जाते हैं, हमारे बच्चे बद्दी जाते हैं, तो बच्चे बाहर ना जाएं यहीं, तो इसके लिए मैं प्रयास करूँगा। और रही रोज़गार की बात, आदरणीय प्रधानमंत्री
आदरणीय प्रधानमंत्री, जब 2014 में उन्होंने बनना था तो जनता को उन्होंने ठगा था, कहा था कि एक साल में मैं 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। आप क्या सोच रहे हैं, ये आदरणीय मोदी जी की लहर, ये जब जनता के वोट डालेगी तब लगेगी पता, इन्होंने इतना इतना फ्रॉड किया कि क्या बताऊँ आपको। इन्होंने हर कुछ, आदरणीय मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूँ, छोटा मुँह बड़ी बात, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री है, पर जनता का जो पैसा है, जनता का जो पैसा है, ऐसे किसी एडवर्टाइजमेंट में खर्चा हो जाए उसके लिए हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आदरणीय मोदी RTI के तहत 4,880 करोड़ रुपया जो है मोदी जी ने अपने अपने इसके लिए, अपनी पर्सनैलिटी को उभारने के लिए लगा दिया। ये RTI की मेरे पास रिपोर्ट है, ऑथेंटिक प्रूफ है, नेट में पड़ा है। स्वच्छता अभियान का जो चला है, ये एक तो UP की देनी थी पहले, निर्मल भारत 2013 का, निर्मल भारत इन्होंने बदल के जब आए 2014 में स्वच्छता अभियान रख दिया। स्वच्छता अभियान के तहत 530 करोड़ रुपया जो है ये एडवर्टाइजमेंट के लिए लगता है, एडवर्टाइजमेंट के लिए लगता है, धरातल में कुछ नहीं है। तो जनता साफ मांगेगी, साफ पूछेगी, तो इतना फ्रॉड, मतलब आदरणीय मोदी जी को पूछेंगे लोग, 15 लाख कहाँ गया, 2 करोड़ नौकरियां कहाँ गया, राम मंदिर कहाँ गया, गंगा साफ हुई कि नहीं, ये ऐप हवा में है सारे, बड़ी बड़ी फ्लेक्सा लगा दी, बड़ी बड़ी रैलियां कर दी है ना, मीडिया को हाईजैक कर लिया, ऐसा नहीं चलेगा। जनता अंदर अंदर से घुटन महसूस कर रही है, आपने देखना 2000। दूसरा जो BJP के इस बार लोकसभा के प्रत्याशी हैं किशन कपूर जी, उनके बारे में आपकी क्या राय है? ऐसा ना, आदरणीय किशन कपूर जी वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, ठीक है ना। जब दो विचारधाराओं की लड़ाई है, एक कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की, पर मैं आदरणीय किशन कपूर जी से, आदरणीय प्रत्याशी से, भारतीय जनता पार्टी वालों से ये पूछना चाहूँगा कि आपने 1.25 साल सरकार में बने हुए हो गया, आपको 1.25 साल सरकार बने हुए हो गया, प्रदेश में सरकार आपकी है, आपके पास सिविल सप्लाई का डिपार्टमेंट है, अभी तक आपने 1.25 साल में जो वर्दियाँ मिलती थी 2 बच्चों को स्कूलों के लिए वो क्यों नहीं दी, लैपटॉप मिलते थे, स्कॉलरशिप मिलती वो क्यों नहीं दी, तो अब वोट मांगने चले आदरणीय मोदी की धुन पे। तो ये जनता कहीं ना कहीं सोच विचार कर रही है। अब देखना, अभी तो इलेक्शन में बहुत दिन है, अभी आगे आगे होता है क्या वो देखना। और जो कांग्रेस की तरफ से सर कहा गया है कि 72,000 रुपया आप हर किसी के अकाउंट में डालेंगे, तो उसको आप कैसे लागू करेंगे? ऐसा कांग्रेस पार्टी जो बोलती है वो करती है। कांग्रेस पार्टी में करने और कथनी में कोई अंतर नहीं है, और इसको देश को बचाने वाली कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने बलिदान दिए हैं, इंदिरा गांधी जी का बलिदान देश के लिए दिया, राजीव गांधी का बलिदान देश के लिए दिया। अब जो राहुल गांधी जी ने ये कहा था कि 72,000 रुपया जो गरीबी रेखा से नीचे न्याय स्कीम जो है, तो ये इन्होंने जो कहा वो करेंगे। अगर कांग्रेस सरकार आती है और प्रधानमंत्री हमारे राहुल गांधी जी बनते हैं तो ये जनता को देंगे, और जनता को विश्वास भी है कांग्रेस पार्टी जो बोलती है वो करती है ना। बाकी तो भारतीय जनता पार्टी वाले, आपको याद होगा मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी है ना, कहाँ गए वो मेक इन इंडिया, कहाँ गई वो स्मार्ट सिटी। उनको भी उनकी शुरुआती में जो इनको क्या कहते हैं, शुरू में 1,000 करोड़ रुपये तो उसमें खर्च कर दिया, 1,000 करोड़ रुपया खर्च कर दिया, मतलब उसकी शुरुआत में उनको प्लानिंग में 1,000 करोड़ खत्म हो जाता। बाकी क्या बताऊँ, आदरणीय मोदी जी को मैं हाथ जोड़ के बोलना चाहता हूँ, आप प्रधानमंत्री हैं, अच्छे हैं, ठीक है ना, स्मार्ट है, ठीक है, हर कुछ जनता आपको देख रही, पर यहाँ से आपके रहते हुए हजारों करोड़ रुपया नीरव मोदी, ललित मोदी मान ले लेके भागे, फिर आप बोलते मैं चौकीदार हूँ, तो ये भी मैं जवाब है ना। हालांकि मेरे से बड़े हैं जो भी हैं प्रधानमंत्री, पर हम पूछ नहीं सकते, हम हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है, है ना, जनता के पैसे से कोई, तो हम इसका तो बोलेंगे ना, करेंगे। आपकी मुलाकात कराई कांग्रेस के प्रत्याशी कांगड़ा जंबा के पवन काजल जी से। आप देख रहे हैं नेशन न्यूज, कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ मैं रवनीश भारद्वाज। अपडेट्स के लिए नेशन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए रेड बेल आइकन जरूर दबाएं।